अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करने के तीन मेथड थे, सही है। एक मेथड कंप्यूटिंग द स्क्वायर, वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा था फैक्टराइजेशन, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या होते हैं। तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके जरिए से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सही है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, आमतौर पर प्रूव नहीं करवाता, डिराइव नहीं करवाता फार्मूला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ये समझ लो आप इसी फार्मूला पे बेस कर रहे हैं, सही है। तो इसलिए मैं करवा रहा था। दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर का था, वो भी आप लोग देख लो दोबारा, सही है। खैर, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, इसको प्रूफ किस तरह करेंगे हम, इस फार्मूले के जरिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सही है। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म जो है वो कंसिडर कर लो इन वन वेरिएबल, सही है। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो इस पर अप्लाई करो। किस तरह? सबसे पहले कॉन्स्टेंट को भेज दो राइट हैंड साइड पर, उसके बाद पूरी इक्वेशन के हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को वन करना होता है। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ए से, सही है। यहाँ आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स और माइनस सी ओवर ए हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि जो एक्स की कोएफिशिएंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट जो है उसको डिवाइड कर दो आप टू से। इसका एक और तरीका भी है डिवाइड करने का, जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि बी ओवर ए को डिवाइड करो टू से, सही है। अगर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिखना पड़ता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई लिखते थे और इसका रेसिप्रोकल, टू लिखा हुआ है तो वन ओवर टू लिख दिया करते थे, सही। इस तरह भी आप समझ सकते हो कि बी ओवर ए टू से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ओवर टू ए, सही है। तो मैंने क्या बोला था कंप्यूटिंग स्क्वायर में कि अगर आप जो भी एक्स का कोफिशेंट है उसको टू से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर दो और राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दो, सही है। उसके बाद इसको आप जब स्क्वायर खोलोगे तो ये आपके पास आएगा। उसके बाद ये किस तरह कंप्यूटिंग स्क्वायर होगा, सबसे पहले आप x लिखो, सही है। उसके बाद जो भी डिवाइड करने के बाद आया था b ओवर a को जब आपने 2 से डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया था, पॉजिटिव b ओवर 2a आया था, वो डायरेक्ट लिख दो और फॉर्मूला आपका बन गया। तो x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सही है। और इस तरफ आप क्या करो, 4a स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया। अगर 4a स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या करो, एलसीएम लेते किस तरह, a को डिवाइड करो 4a स्क्वायर से, 4a स्क्वायर से अगर a डिवाइड करोगे, a से a कैंसिल, क्या आएगा आंसर, 4a आएगा। जो भी आंसर आता है वो आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से। इस तरह हम एलसीएम लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करो इससे, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से। तो 4a को मल्टीप्लाई करो माइनस सी से तो माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही है। तो इसलिए हम डायरेक्ट b स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, सही है। इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा इससे। इधर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये मैंने रीज़न आप लोगों को बताई भी क्यों प्लस माइनस आते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास पूरी फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये इसके बराबर है कि न्यूमिनेटर पर भी स्क्वायर रूट अलग से रख दो और डिनोमिनेटर पर भी अलग से स्क्वायर रूट लगा दो, ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर आप प्रूफ करना चाहो तो कैलकुलेटर में रूट टू ओवर रूट थ्री की वैल्यू निकालो और रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री की वैल्यू निकालो, सही बात है, रूट टू ओवर थ्री की वैल्यू निकालो या रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री की, दोनों की सेम होती है। तो इसी तरह मैंने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद फोर ए स्क्वायर, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टू से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ ए बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, बी ओवर टू ए जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी ओवर टू ए हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, टू ए ही आएगा, यहाँ से माइनस बी और यहाँ से प्लस माइनस बी रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा, सही है। तो ये आपके पास बन जाएगा पूरा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें आपके पास, ए बी और सी है, और ये आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है बी, और जो आपके पास कॉन्स्टेंट जो है उसको हम सी से शो करते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये मेथड जो है आपको थोड़ा लंबा हो सकता है, आपने पूरी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसके बाद जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे थोड़ा लंबा बनेगा इसका, थोड़ा सा काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसी तरह जो एक और मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी थोड़ा आपके पास लेंथी हो जाता है। तो सबसे ईजी वाला जो होता है वो फैक्टराइजेशन होता है, सही है। तो हम देखेंगे अगर फैक्टराइजेशन हो जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो बहुत अच्छी बात है, हमारा आंसर तीन चार स्टेप में आ जाता है। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होती तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हम इसी पे जाते हैं, सही है। इन दो, क्योंकि इससे आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है जिसके रूट्स रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा तो दूसरा हम ये वाला कंसिडर करते हैं, कंप्यूटिंग द स्क्वायर पे हम नहीं जाते, सही है। अब एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास सवाल ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, दो मेथड तो आपने देख लिए, फैक्टराइजेशन भी आपको सिखा दिए, कंप्यूटिंग स्क्वायर भी सिखा दिए,
अब एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला भी देख लो। देखो आमतौर पर जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जिसमें ए बी सी मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, होल नंबर होते हैं कोई भी, सही है। या आपके पास इंटीजर बोल दो आप, एक सही वर्ड इंटीजर होगा आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होते हैं आपके पास, सही है, उसमें आपके पास फ्रैक्शन नहीं होती। तो अगर फ्रैक्शन होती है तो हम कोशिश करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास देखो ए की वैल्यू 1/3 है और बी की वैल्यू -1/2 है, सही है। इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट करोगे, देखो 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और 2 भी हट जाएगा, सही। अगर आपके पास दोनों तरफ 2 होता तो आप क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते। बेसिकली आपका गोल ये है कि ये भी डिनोमिनेटर हट जाए और ये भी हट जाए, तो उसके लिए आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। तो 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से तो 2 आ जाएगा, और 6 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा, और 1 को भी करना पड़ेगा आपको। अब इक्वेशन के दोनों तरफ हम काम करते हैं, ये नहीं कि आपने इक्वेशन के एक तरफ 6 को मल्टीप्लाई किया दूसरी तरफ नहीं किया। फॉर्चुनेटली इस केस में आपके पास 0 की फॉर्म है, मतलब इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 की फॉर्म में होती है आपके, ठीक है। तो इधर लिखना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि आप लोगों की ये आदत डेवलप हो कि आपने इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करवानी, सही है। उसके बाद आप क्या करो, इसे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म जो है उससे कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी आपके पास, सही। क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आपको पता ही, बी क्या है इसमें -3 है। अच्छा फॉर्मूले के माइनस का ख्याल रखना, माइनस और बी के आपके पास -3 है, उसके बाद प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 ए, ए क्या आपके पास 2 और सी आपके पास क्या है 6 के बराबर है, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई होगा माइनस से, ये 9 और 4 2 8 8 6 क्या होता है 48 होता है, तो -48 आ गया। सेपरेट करो आपके पास क्या हो जाएगा, √-39। अब चैप्टर 2 में डिटेल से मैंने आप लोगों को आयोटा का इंट्रोडक्शन दिया था, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मैंने बताया था कि आप अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको इस तरह सॉल्व करते हैं, -1 × 39, बात एक ही होती है ना। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप -1 लिखो √39 तो ये एक ही बात है, अगर आप √-1 × 39 लिखो या √-1 × √39 लिखो, बात एक ही होती है, सही। और √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो √-39 का आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा √39, सही है, वो मैंने लिख दिया, और 3 और 4 अपनी जगह पे। तो एक आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी और एक मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और एक वैल्यू में आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपके पास 2x की वैल्यू आएंगी, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गए, सही। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा मुश्किल लग रहा था, माना है नहीं इतना मुश्किल, बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है। अब इसको किस तरह सॉल्व करोगे, आप एलसीएम ले लो, यहाँ ये एलसीएम आएगा और यहाँ आपके पास ये एलसीएम आएगा। अब एलसीएम लेना मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप कर लेना, एक्स को डिवाइड करने से जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर x प्लस 3 को डिवाइड करो, इससे जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, सही। सेम काम आप लोग यहाँ भी करोगे, मल्टीप्लाई करवा दो इन सबको, ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, इसको मल्टीप्लाई करवा दो इससे और इसको मल्टीप्लाई करवा दो इससे, ठीक है, ये हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन के दोनों तरफ जो सेम चीज़ें होती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। 2x क्यूब इधर भी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 6x² और 3x² ऐड करोगे 9x², तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस 9x² से, सही है। तो इस तरफ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 6x² बच जाएगा, 4x + 27x 31x होगा और सिर्फ 18 ये बच गया आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ये कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गए, सिर्फ 9x बच गया आपका, सही है। उसके बाद 9x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, नेगेटिव होगा, 31 - 9 22 हो जाएगा आपके पास। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सही। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की 11 और सी की क्या है 9 के बराबर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर दो। 121 - 108 क्या होगा, √13 होगा, सही। तो एक वैल्यू आपकी आएगी -11 + √13/6 और एक आएगी -11 - √13/6, तो दो वैल्यूज आपके पास आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड थे, वो तीनों मेथड आप लोगों को मैंने समझा दिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे ही होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं हो सकता, जितना मुश्किल है यही है, इससे मुश्किल आपकी कोई इक्वेशन नहीं हो सकती है, तरीका मुश्किल नहीं हो सकता कि जो आप लोगों को मसला करे, सही है। इसी तरह कंपेटिंग स्क्वायर कोई मसला नहीं करेगा आपका, सिर्फ फैक्टराइजेशन में ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपके पास कि माइनस एक टर्म के साथ आ जाए या दोनों टर्म के साथ माइनस आ जाए, या कभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं होता हमारे लिए, सही। तो वो जैसे सवाल आएंगे वो तरीका मैं आप लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा डिफाइन करता जाऊँगा, ठीक है।
तो ये दो मेथड तो आप लोगों के पक्के हो गए, इनमें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो सॉल्व करते हो, ठीक है।